शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें उस गुंडे का पूरा हुलिया बताओ, उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसकी नाक, उसकी हाइट, सब कुछ। आंखें छोटी छोटी थी, चेहरा गोल, रंग पापा जैसा था, नाक मोटी सी और हाइट भी पापा जैसी थी। देखो बेटा, ये था क्या वो? नहीं, वो ऐसा नहीं था। लगता है बच्चा डर के मारे ठीक से देख नहीं पाया और ऊपर से अंधेरा भी था। कोई बात नहीं, हम लोग उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश? आपने कैसे कह दिया कि कोशिश करेंगे? आप अभी चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। हम अभी अंजलि को ढूंढ के आते हैं। आप जानते भी है आजकल कितनी वारदातें हो रही है, अगर अंजलि को कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? अरे आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? हमें अपना काम पता है, इसलिए सब कुछ आप हम पे छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं आप पे? एक बात कान खोल के सुन लीजिए मेरी, अगर 12 घंटे के अंदर अंजलि मेरे सामने नहीं हुई ना, तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा, सरकार तक जाऊंगा, आपको सस्पेंड करा दूंगा मैं। यश, यश क्या बाबा कम से बोल रहे हो? यश, जब तक इन लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे कुछ नहीं करते। एक शब्द नहीं बोलेगा तुम। हो गया तुझे? अंजलि मिल जाएगी। अंजलि, आप सबको अंजलि की फिक्र रखें, मिल जाएगी वो। हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? हूं
किसी ना किसी ने तो अंजलि को जरूर देखा होगा। यश बेटा कुछ तो खा ले। जो भूख नहीं है। ऐसा मत करो यश, जब से अंजलि गायब हुई है तुमने पानी तक नहीं पिया, बस थोड़ा सा खा लो, बस एक पराठा खा लो, ये चलो मुंह खोलो यार। अरे नहीं समझ आ रही क्या, नहीं खाना मुझे। यश यश लगता है देर से ही सही पर ताऊजी की बात सच होने वाली है, यश का कुंडली दोष अंजलि की जान लेकर ही रहेगा। हल्का सच सच बताओ, कहीं तुमने अंजलि को गायब तो नहीं करवाया? माना कि मैंने कुछ गलतियां की हैं, इसका मतलब ये तो नहीं आप जब चाहे मुझ पर इल्जाम लगा देंगे। मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुमने कुछ नहीं किया। मैं आपके सर पर हाथ रख के कसम खाती हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। कौन ले गया अंजलि को? पता नहीं किस मुहूर्त में पैदा हुई है ये लड़की, होती है तब भी दुखी करती है, नहीं होती तब भी दुखी करती है। गुड मॉर्निंग। ये हम कहाँ हैं और मेरा नाम आदित्य राजपूत है। कल रात मैंने तुम्हें गुंडों से बचाया और अपने घर लेके आया। और कोई सवाल? नहीं नहीं हमें अपने घर जाना है। तुम अपने पैर जमीन पर नहीं रख सकती। तुम्हारे पैर में तो चोट लगी, मैं भी इन पर दवा लगा देता हूँ। नहीं नहीं हम बिल्कुल ठीक है, हमें हमारे घर जाने दीजिए प्लीज। बच्चों जैसी जिद मत करो, बोला ना पहले मुझे तुम्हारे जख्मों पर दवा लगाने दो। हम घर जाके लगा लेंगे।
चुपचाप यहाँ बैठे रहो। सब हो गया, अब जाने दीजिए हम। हे गोपाल, ये हमें जाने क्यों नहीं दे रहा? आगे मत आना। घर जाने दो हमें अपने। मारना चाहती हूँ तुम्हें, खुद तकलीफ करने की क्या जरूरत? मुझे कहती मैं खुद को मार लेता। ये देखो ये क्या किया तुमने, हाँ पूरी हथेली लाल पड़ गई है, इतनी जोर से चाकू पकड़ते हैं क्या? ऐसा मत किया करा कर, बहुत नाजुक हो तुम, अपना ख्याल रखा करो। प्लीज जाने दो हमें। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी तुम? मैं तुम्हें किसी भी हालत में अकेले नहीं जाने दूंगा, बैठो यार आराम से, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा। सुना नहीं, मैंने कहा बैठो। नहीं बैठे हमें, हमने कहा ना हमें अपने घर जाना है। और अगर मैं तुम्हें ना जाने दूं तो? क्या हुआ, इतनी सी बात पे डर गए? अभी तो चाकू लेकर मेरे ऊपर निशाना लगा रही थी, अब क्या हुआ? That happens. ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। वैसे बड़ी अजीब लड़की हो तुम, पहले खुद ही आवाज देकर मदद के लिए बुलाती हो, फिर जैसे तुम्हारी जान बचाई उसी पर हमला करती हो। ये तो गलत बात है। तुमने हमारी मदद की, उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब हमें घर जाने दो प्लीज। अरे एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं क्या कर दूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें खुद घर छोड़कर आऊंगा। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, आज के बाद तुम कहीं पर भी अकेली नहीं जाओगी। भैया ये देखिए, इनको देखा आपने कहीं? भैया भैया सुनिए ना, इनको आपने कहीं देखा है? भैया एक सेकंड, ये देखिए इनको कहीं देखा आपने? देखिए ना भैया, देख दे। अरे
अंजलि। अरे सुनो, आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। कैसा लगा मेरा घर? समझ गया, तू भी नहीं चाहता कि यहां से इतनी जल्दी जाए। अब मेरी बात नहीं माननी तो ना मान, पर मेरी गाड़ी के सेंटीमेंट्स को तो समझो। गाड़ी तो पंचर है, घर कैसे जाएं? पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है। एक काम करते हैं, साथ बैठकर एक एक कप चाय पीते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। चलो वैसे अच्छा किया तुमने मेरी बात मान ली। मैं ना चाय बहुत अच्छी बनाता हूं, तुम्हें मेरी आपकी चाय ना बहुत अच्छी लगी। आई विल मेक अ बेस्ट टी फॉर यू। Hey, खोलो! मुझे बंद करके भाग, मुझे बंद करके, अपना नाम भी नहीं बताया। चली गई थी अंजलि, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। तुम अब तक समझ नहीं पाई क्या कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूं? मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता, क्योंकि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं अंजलि।
बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता अंजलि, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। हम भी आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं यश जी। लेकिन कुछ नहीं, अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई लेके नहीं। निकली कैसे? चिल्लाकर मदद के लिए आवाज लगाई और उसने गुंडों को मारकर हमें वहां से निकाल दिया। उसे मालूम होना चाहिए, वो पहले ही नजर में मेरी जिंदगी बन गई। उसे मिलकर थैंक यू कहना चाहिए। नहीं नहीं यश जी, हम दोबारा उससे फिर कभी नहीं मिलेंगे। उसे ढूंढना तो होगा ही, मैं कहीं से अपनी जिंदगी को ढूंढ निकालूंगा। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।